बनते थे लेकिन जनता के बीच में आते नहीं थे, इसीलिए उनको अभी छोड़ दिया गया। को कहता है कि रोजगार नहीं मिला है, पहले झांक करके देखिए तब रोजगार मिलेगा। वही तो पूछ रहे हैं उनसे, वो जो कह रहे हैं रोजगार की कोई मतलब नहीं, रोजगार से कोई किसी ने मतलब है। पाकिस्तान को जवाब दे, राष्ट्रवादी है जो किए, वो किए मोदी जी, शायद ही कोई कर सकता है। कांग्रेस तो देश को बेच करके खा गया, वो इलेक्शन जीत करके यहाँ से गए, तब तक आम पब्लिक से पूछ लीजिए जो कोई उनका चेहरा तक नहीं देखा। भारत का दुर्भाग्य होगा जो मोदी जैसे प्रधानमंत्री को नहीं चुनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कभी आएगा, कांग्रेस से भी हो चाहे किसी भी पार्टी से, वो कभी नहीं आएगा। उनका काम देख रहे हैं, GST लागू कर दिए हैं जो कोई नहीं किया था, राता रात नोट को चेंज कर दिया, ऐसा कलेवर ताहत वाला कोई पैदा नहीं लिया। बेरोजगार तो अपने वक्त कोई आदमी बेरोजगार होगा ही, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। 2009 और 2014 को नरेंद्र मोदी की लहर में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा की वापसी हुई थी, मगर अब जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ऐसे में बदलाव क्या आएगा? क्या वो लोग जो 2014 में शत्रुघ्न सिन्हा को वोट किए थे, जिन मुद्दों को लेकर, हो सकता है नरेंद्र मोदी की लहर को लेकर किए हो, क्या वो लोग अभी भी विश्वास रखते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के अंदर? सर, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, बोलिंग एजेंट हैं हम। हैं जी जी, काम चल रहा है सही से ना? हाँ, काम अच्छा चल रहा है, कर रहे हैं लोग जी, बोरिंग कर रहे हैं। कितना परसेंट वोटिंग लगता आपको हो गया होगा? अभी तो अंदर हम पता नहीं, गर्मी सर ज्यादा है, गर्मी असर कर नहीं, उसका कोई असर नहीं, वोटिंग जो वोट देने वाले लोग आ रहे हैं लाइन में लग रहे हैं जी, बिल्कुल जी। तो ये सरकारी कर्मचारी हैं, सब बीएलओ है, सब लोग हैं, हम लोग सब बीएलओ ही हैं जी, हम लोग तो लग रहा है कि इस बार लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं वोट देने। क्या लग रहा है सर, लोग आ रहे हैं क्या, वोटिंग कर रहे हैं एग्रेसिव? हम तो कुछ बोल नहीं पाए, ज्यादातर ज्यादा लोग वोटिंग हो रहा है अभी, हद से ज्यादा ही चल वोटिंग हो रहा है। मुद्दा क्या है, क्यों ऐसे लोग? मुद्दा मोदी जी है, मोदी जी है, मोदी जी को देख दिखाता की तरह लहर है, 14 से भी ज्यादा लहर है। शत्रुघ्न सिन्हा नरेंद्र मोदी जी के साथ, अब वो अलग है क्या? शत्रुघ्न सिन्हा बनते थे लेकिन जनता के बीच में आते नहीं थे, इसीलिए उनको अभी छोड़ दिया गया है। इस बार बाकी जातीय समीकरण उनके साथ में है, जातीय तो कोई मतलब नहीं है, मोदी जी से हम लोग का मतलब है, मतलब सांसद कोई भी हो तो कोई फर्क नहीं है। मोदी जी से रविशंकर जी सांसद बहुत बढ़िया है, रविशंकर जी सांसद बढ़िया होंगे, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत कम आते हैं। नहीं, आएंगे, अब आएंगे ना, पहले तो राज्यसभा से थे, अब तो यहाँ से हैं, तब हम लोग के संग न रहेंगे, उनके बाद वो विश्वास करना चाहिए, हम बहुत विश्वास करेंगे। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा लगातार जिन मुद्दों पर ट्वीट करते थे, कहते थे कि फर्क पड़ेगा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर आई थी ये लोग कहते हैं, और इस लहर में कई लोगों को पहली बार सांसद बनने का मौका मिला था। अब हमारे साथ एक शख्स खड़े हैं जिनको शायद मोहल्ले का मोदी जी कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है सर? क्योंकि हम राष्ट्रवाद के प्रेम हैं जी, इसीलिए हमको लोग, आपको लगता है कि मोदी जी राष्ट्रवादी हैं? हाँ, राष्ट्रवादी हैं। मतलब ये कैसे आपको लगता है, ये कुछ तो बात होगी? क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री को आज तक अटैक करने का हिम्मत नहीं हुआ, इंदिरा गांधी अटैक नहीं की थी, भारत से पहले पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ था, वो जमाना गुजर गया, अब बहुत आगे में बढ़ना है। ये लगता है कि एक बम तो गिराया है ना, उसके अलावा तो कोई बहुत बड़ा कार्य तो नहीं हुआ है ना? आतंकवाद को भी मारे हैं, आतंकवादियों को मारे हैं, सैनिक भी मारे गए हैं, सैनिक भी मारे, सैनिक ही मारे गए, सैनिक भी मारे गए हैं, तो वहाँ तो मारकाट में तो हो करेगा, कोई भी तो मरवे करेगा ना। एक बात, बहुत सारे युवा है कह रहे हैं कि हमको रोजगार नहीं मिला है, मोदी जी कहते कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे लेकिन मिला नहीं, ऐसे में पाकिस्तान वाला लॉलीपॉप हमको मत चुसाइए, युवा कह रहे हैं। रोजगार किसको आप कह रहे हैं? युवा कह रहे हैं ना, रोजगार क्या चीज है ये हम पूछ रहे हैं। कोई भी युवा जो है वो अपना रोजगार बनाए हुए है। कैसे कैसे मतलब बिजनेस करके बनाए हुए है? भाजपा के नेता तो कह रहे हैं पकौड़ा बेच लीजिए और कुछ कर लीजिए, रिक्शा खींच लीजिए, बाकी IIT करके रिक्शा तो नहीं जा सकता ना। ना, जैसे पकौड़ा बेचना भी अभी भी बहुत लोग पकौड़ा बेच रहा है, डॉक्टरी पढ़ के अगर कोई पकौड़ा बेचेगा तो सही नहीं? डॉक्टरी के लिए नहीं कहे हैं जी, बेरोजगार के लिए कहे हैं। डॉक्टरी बेरोजगार तो डॉक्टर भी है, हर 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 स्ट्रीम में बेरोजगार है, डॉक्टर इंजीनियर बेरोजगार पड़े ना। डॉक्टर और इंजीनियर तो अपना क्लिनिक और कॉन्ट्रेक्टर वगैरह कर सकता है, उसको तो रोजगार के लाइसेंस मिलेंगे। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि जो बेरोजगार युवा है सारे पकौड़ा
बेचना चाहिए उनको? वही तो पूछ रहे हैं उनसे, वो जो कह रहे हैं रोजगार की कोई मतलब नहीं, रोजगार से कोई कैसे नहीं मतलब है। पाकिस्तान को जवाब देने की बात होती है क्या, उससे ज्यादा जरूरी नहीं? बहुत सारा पाकिस्तान को जवाब मिला, जरूरी नहीं था कि रोजगार पहले रोजगार दिया जाता, देश को मजबूत भारत की जनसंख्या है। नहीं नहीं, यदि जनसंख्या पर हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो सब आदमी यदि सरकारी जॉब के इच्छुक हैं तो क्या सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? सर कि पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ काम करना चाहिए, सबको नहीं चाहिए, लेकिन आपके एक घर में मिल जाएगी नौकरी तो पांच आदमी का आपको भरण पोषण चलना लगेगा, तो इसीलिए रोजगार जरूरी है। उसका सृजन कीजिए, आप तो रोजगार खत्म कर रहे हैं। मुझे बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा अब तक भाजपा के साथ थे, अब पलटी मार के चले गए कांग्रेस में, तो क्या लगता है भाजपा के साथ रहने के बाद अब हट जाएंगे तो क्या उससे फर्क पड़ेगा कुछ? अब देखिए, तो अभी तो बेचारा लोग पहले से ही मन बना चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो भाजपा इतने दिन तो क्यों रखी थी? भाजपा इतने दिन उनको अपने साथ क्यों रखी थी? भाजपा इसलिए रखी थी कि चूंकि भाजपा के कार्यक्रम के साथ वो चल रहे थे जी, बाकी लगातार मोदी जी के खिलाफ बोले जा रहे थे, तो इसलिए ना उनको पार्टी अलग किया है। इसलिए पार्टी अलग किया कि पार्टी को मजबूरी हो गई? नहीं, पार्टी को मजबूरी नहीं होगी, मोदी के खिलाफ बोले हटा दिया। शत्रुघ्न सिन्हा जी क्षेत्र में आते हैं? हाँ, दस साल पहले आते थे क्षेत्र में? आते थे, क्षेत्र में नहीं आते हैं, इसलिए तो खास कर आप लोगों ने टिकट उनको क्यों दिया दो बार? जब से वो इलेक्शन जीत करके यहाँ से गए तब तक आम पब्लिक से पूछ लीजिए कि कोई उनका चेहरा तक नहीं देखा। शत्रुघ्न सिन्हा क्षेत्र में आते हैं? हाँ आते हैं, मुलाकात होती है? हाँ। शत्रुघ्न जी से मुलाकात हुई है कभी? ना, मुलाकात तो नहीं हुई। ऐसे तो कैसे मुलाकात तो किसी से नहीं होता है यार, रवि शंकर जी से क्या मुलाकात होगी? रविशंकर जी पहली बार चुनाव लड़ा, बाकी सुशील मोदी जी को, लेकिन यहाँ के तो है वो। शत्रुघ्न जी को आपने 10 साल मौका दिया था ना, काम किए हैं क्या? काम किए यहाँ पे? अब काम क्या किए हैं ये हम नहीं बता सकते हैं इनका। शत्रुघ्न सिन्हा तो अपने क्षेत्र में कभी आया ही नहीं, वो काम क्या करेगा? तो इस बार पार्टी बदल दी है तो फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कभी आएगा कांग्रेस से भी हो चाहे किसी भी पार्टी से, वो कभी नहीं आएगा। एक बात बताइए सर, रविशंकर जी के बारे में भी लोग यही कहते हैं? रविशंकर जी बहुत अच्छे आदमी है, कानून मंत्री रह चुके हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं। पटना में आते नहीं है? बाकी पटना में इस बार तो ऐबे किए हैं, जब अपने संसद चुनाव प्रचार करने के लिए चुनाव प्रचार में आए हैं, चुनाव पहली बार पटना से लड़ रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा। मतलब एक बार ट्राई करना चाहिए एकदम, बिल्कुल। अच्छा, मुद्दा क्या है चुनाव के सर? चुनाव का मुद्दा कुछ नहीं है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जी हाँ, 5 साल में कुछ डेवलपमेंट हुआ है? बहुत ज्यादा हुआ है, हुआ है, बहुत हुआ है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला सर? को कहता है कि रोजगार नहीं मिला है? पहले झांक करके देखिए तब रोजगार मिलेगा। हम तो ना देखते हैं कि रोजगार मिल रहा है, रोजगार कहाँ, रोजगार कहाँ नहीं मिला है, बहुत ज्यादा रोजगार मिला है। खुद नीति आयोग कहती है सर, जो है रोजगार मिला है, पहले झांक करके देखिए। खुद नीति आयोग कह रहे समझिए, उसके बाद बोलिए। रोजगार नहीं दे पाए हैं कौन कौन नहीं दिया है? खुद बोल रहे हैं, नीति आयोग खुद बोल रही है, अपने आंकड़े दे रही है। कौन कौन 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, नहीं दे पाए? कौन कह रहा है? नीति आयोग। नीति आयोग पहले समझिए, आंकड़े को समझिए, कहां से क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ये समझिए। जो रोजगार बेरोजगार लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, ये क्या कहे, कहां से आए ये बेरोजगार लोग? क्या कांग्रेस के रीजन में बेरोजगारी नहीं था? कांग्रेस ने ये तो नहीं कहा था सर ना कि कांग्रेस के रीजन में बेरोजगारी नहीं था, सब बहुत ज्यादा रहा है। मतलब सीधी सी बात है, मुद्दा राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी है। जो किए मोदी जी शायद ही कोई कर सकता है, कांग्रेस तो देश को बेच करके खा गया, और क्या चाहिए? मोदी जी की कोई गलती नहीं हुई? मोदी से कोई गलती नहीं हुई। नोटबंदी का फायदा हुआ? हाँ एकदम, बिल्कुल फायदा हुआ है। परोक्ष रूप से समझिएगा तब फायदा होगा, ऐसे नहीं होगा। 0.9% एकदम जीएसटी और नोटबंदी से फायदा हुआ है। जीएसटी नोटबंदी का कुछ फायदा हुआ है ये बताइए मुझे आप। जीएसटी और नोटबंदी जीएसटी और नोटबंदी नोटबंदी की लाइन, लेकिन सब तो क्या कहता है व्यापारी लोग बोल रहा है कि नहीं डूब जाइए, डूब जाइएगा। मोदी कहेगा डूबने के लिए तो डूब जाए, बिल्कुल आप पढ़े लिखे हुए नहीं है, ये बात सही है। भारत का दुर्भाग्य होगा जो मोदी जैसे प्रधानमंत्री को नहीं चुनेगा, समझे ना? ऐसा न कोई हुआ था न होगा ऐसा त्यागी आदमी। ये मुझे बताइए सर कि 5 साल में क्या ऐसा काम कर दिया? बहुत काम कर दिया, आपको आंख नहीं है? आप रोड को नहीं देख रहे? वही वही मैं बोल रहा हूँ, 4 काम गिना दीजिए मुझे। रोड का काम देख रहे हैं, जीएसटी लागू कर दिए हैं,
जो कोई नहीं किया था राता रात नोट को चेंज कर दिया, ऐसा कलेवर साहस वाला कोई पैदा नहीं लिया है। नोटबंदी से कुछ फायदा हुआ सर? बहुत फायदा हुआ है, बताया बड़का आदमी को। हम लोग कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नोटबंदी से फायदा हुआ? अब एकदम बिल्कुल फायदा हुआ, आगे बढ़ जाए बिल्कुल फायदा। लाउड बोल रहे, कोई बात बिल्कुल फायदा हुआ है, ये कहने की बात नहीं है। पता है बिल्डिंग वाले को जो लाखों लाख तहिया के रखा था, अब जो बैंक में तो जमा करना पड़ेगा तब ये पैसा होगा। नीति आयोग कह रही है कि रोजगार नहीं मिला युवाओं। रोजगार कैसे मिलेगा? आप लोग को नहीं ज्ञान है, हम जहां काम करते हैं लाखों लाख रुपया का कर्जा मोदी सरकार दी है। हम 15-15 लाख, 25-25 लाख, 50-50 लाख का कोटेशन देके पास करवाए हैं, माल सप्लाई की है जी। और जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, तो बेरोजगार तो अपने वक्त कोई आदमी बेरोजगार होगा ही। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, है? एक बात बताइए सर कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है, चौकीदार नहीं। वो अपने चोर है, 70 साल में कांग्रेस लूट लिया देश को। अभी भी देखिए बाजरा कांड, वहां तो कितना का जमीन मंगनीय में दे दिया, क्या ही काम होता है। कांग्रेस कुछ काम नहीं की है, कौन कांग्रेस कोई काम नहीं, कुछ नहीं लूटी है। वो मोहम्मदन का सपोर्टर है, वो मियां है। वो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।